दिल्ली रवाना होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली रवाना होने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार खूब गेम किया है। समाजवादी पार्टी जाहिर तौर पर बहुत खुश होगी। अगर समाजवादी पार्टी में अगर परिवार की बात कर ली जाए, क्योंकि परिवार की बहुत चर्चा हुई थी, तो परिवार के चार लोग जो हैं वो अच्छी खासी लीड लेते हुए नजर आए थे और जीत भी समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा गेम किया। अखिलेश यादव बहरहाल दिल्ली रवाना होने वाले, आज रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि अब जो है रणनीति बनाने की बारी है। इस बीच खबर यह भी आई थी कि कांग्रेस जो है वो चुनाव आयुक्त से मिलने जा रही है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। तो कांग्रेस भी कॉन्फ्रेंस भी कुछ ही देर में, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। जितने भी एनडीए के सांसद हैं उनको दिल्ली बुला लिया गया है चुनावी नतीजों के बाद, खैर रवाना होने वाले हैं। तो ये चलता रहेगा घटनाक्रम जो है, इस पे अपडेट हम जो है वो लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजीव जी के पास जाऊंगी, राजनीतिक विश्लेषक एंगल काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? मैंने वही सवाल किया था कि जो हमने देखा मध्य प्रदेश की स्थिति देखी, छत्तीसगढ़ की देखी, और पूरे ओवरऑल की अगर हम बात करें, क्या हम ये माने कि बीजेपी शायद यहां पर कॉन्फिडेंस जो है, चलिए यहां पर अच्छा रहा, पर ओवरऑल का जो कॉन्फिडेंस था वो सही नहीं था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, मैंने सुबह भी जब चर्चा हो रही थी तो मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में जिस पहले और दूसरे चरण के अंदर जब मतदान हुए, तो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 का जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था उसको रिपीट करने के बारे में जिस शिद्दत से सोच रही थी, और जिस तरीके से पूरी की पूरी पार्टी का जो नारा था 400 पार का लक्ष्य जो उन्होंने रखा था, वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पे होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा था। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें 2014 के अंदर जब मोदी सरकार आई थी, तो उन्होंने कुछ वादे किए थे देश की जनता के साथ। उन्होंने महंगाई को लेकर के बात करी थी, रोजगार को लेकर के बात करी थी, भ्रष्टाचार को लेकर के बात करी थी, बट धीरे धीरे समय आते आते वो जो मुद्दे थे, जो जनता के बेसिक मुद्दे थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बिखर चुकी थी। तो इसीलिए देश की जनता ने ये जता दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अगर आप हर बार अगर मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगेंगे तो देश की जनता को ये स्वीकार नहीं है, आपको जमीनी हकीकत पर रह करके कुछ कार्य करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में तो एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी खूब चला, और उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। देखिए संजीव जी, बहुत सारी, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर ये चला बट बाकी जगह नहीं चल पाया। देखिए मध्य प्रदेश में जरूरी नहीं है कि मोदी मैजिक ही चला, मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो वहां की अपनी टीम थी उनकी मेहनत को हम इस बात से दरकिनार नहीं कर सकते कि मोदी मैजिक चल गया। क्योंकि अगर देखें मोदी मैजिक अगर चला होता तो मोदी जी 1.5 लाख वोटों से नहीं जीत रहे होते, क्योंकि अब जिस तरीके से देखेंगे शिवराज सिंह चौहान और बाकी नेता जो 6-6, 7-7 लाख वोटों के मार्जिन से जीते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत रहे हैं। तो आप ये देखें कि जो मोदी मैजिक है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो मोदी मैजिक जो आप कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चला, मैं उस बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अगर मोदी मैजिक होता तो ये जो आंकड़ा 244 पे टिका हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, ये शायद 300 या 350 क्रॉस कर रहा होता। आप बागी मैजिक चला क्या? बागी मैजिक चला क्या? इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में आप जो कह रहे हैं कि स्थानीय के साथ साथ खूब मध्य प्रदेश प्रयोगशाला जिसका हम जिक्र कर रहे थे, प्रयोग तो खूब होते हैं यहाँ पर, प्रत्याशी भी बदल दिए जाते हैं, जो सांसद रहते हैं उनको विधायक लड़ा के उनको, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जबलपुर की भी बात कर रहा है और भी जगह पर ऐसा हुआ है, मुरैना की भी बात कर लें, लेकिन इस बार एक प्रयोग और हुआ, बम पर कांग्रेसियों को भर्ती कर लिया गया और कहा गया कि जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उस पार्टी में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव जो है वो हुआ कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। देखिए बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश ही नहीं बहुत सारी ऐसी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। आप पंजाब में भी उदाहरण देखेंगे, बिट्टू जी जो कि मौजूदा सांसद थे लुधियाना से, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और इस बार वो हार गए हैं बुरे तरीके से। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने जब कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार की तरफ जाता जा रहा है, और कांग्रेस पिछली बार 53 सीटों पर थी तो हो सकता है इस बार 20 या 25 सीटों पर सिमट करके रहे। आप मानते हैं जो नुकसान बीजेपी को हुआ है संजीव जी? हाँ जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस युक्त बीजेपी जिस तरह से हो रही थी, इसका नुकसान ही बीजेपी को उठाना पड़ा है। देखिए सबसे बड़ा नुकसान जो बीजेपी को उठाना पड़ा है वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उठाना पड़ा, क्योंकि देखिए चाहे राजनीति हो या कोई भी
कोई भी अपना कार्य हो उसमें अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की गलती यह थी कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हमेशा कम आका। उन्होंने ये सोचा कि जिस तरीके से 2014 के अंदर रिपीट किया, 2019 के अंदर रिपीट किया, 2024 के अंदर भी वो रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। बट जिस तरीके से विपक्ष ने काम किया, देखिए विपक्ष की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए विपक्ष ने जिस तरीके से काम किया और विपक्ष आज भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 50 या 60 सीटें ही दूर है सिर्फ। क्योंकि अगर आप देखें तो एनडीए जो है वो तकरीबन 294 सीटों पर है और इंडिया गठबंधन 232 सीटों पर, तो तकरीबन 60 सीटों का आंकड़ा भी नहीं है कि जिस तरीके से कह सके। तो इस बार हमें वाकई में ये मानना पड़ेगा कि विपक्ष ने भरपूर तरीके से काम किया, विपक्ष की हर रणनीति काम आई। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर गया होगा, क्या हम महिला वर्ग पर देखें, पुरुष वर्ग पर देखें या युवा वर्ग पर देखें, कि ये जो पूरी राजनीति चल रही थी, चाहे मंगलसूत्र की चल रही हो, चाहे तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हो, क्या लगता है किस पर सबसे ज्यादा असर गया होगा? बेरोजगारी की बात नहीं हो रही थी, बाकी अहम मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई थी तो वो युवाओं से वादा करके आई थी तकरीबन हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे जब ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने करी थी और जब ये जुमला साबित होना शुरू हुई तो विपक्ष ने इन बातों को मुद्दा बनाया, युवाओं को अपने साथ जोड़ा और युवाओं के लिए वो लुहावने वादे करके लेके आया। जैसे अगर आप देखेंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कि 1 साल के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 1 साल के अंदर 30 लाख रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्रिएट किए जाएंगे। तो ये एक वादा था जो कि युवाओं को लगा कि नहीं, अब एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए या इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहिए, क्योंकि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल जो है वो देश के युवाओं ने भी देखा और जो किसानों का एक बड़ा एक एक्सट्रीम फैक्टर निकल करके सामने आया। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरीके से 2 साल पहले दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान बैठे थे और वो कुछ मांगों को लेकर के बैठे थे, जिसमें से 3 काले कानून जो किसान नहीं चाहते थे, क्योंकि देखें हमारे देश के अंदर जो कानून है वो हम लोगों की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, लोगों को तंग करने के लिए नहीं बनाए जाते। और कोई भी तबका अगर उन कानूनों से खुश नहीं है तो उन कानूनों को रोकना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बाद में किया भी। बट जो वादा था किसानों के साथ किया गया था एमएसपी को लेकर। हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से महामंत्री हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपको, बधाई खूब आपको, क्लीन स्वीप मारने की तैयारी में आप हैं, पर ओवरऑल में नहीं कर पाए, वो करिश्मा नहीं दिखा पाए जो दिखाना चाहते थे, रिएक्शन। जी मुझे जोड़ा है संजय श्रीवास्तव। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीरें आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ दिग्गज साथ में मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में होने वाली है। संतोष नजर आ रहा है, देखिए चेहरे पर संतोष भरी मुस्कुराहट, खुशी जो है वो नजर आ, देखिए बहुत ज्यादा, वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस सीट के हिसाब से जो है बहुत ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई, 99 पर अभी टिकी हुई है, 100 भी पार नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी खुशी है, फिर भी संतोष है, फिर भी जिसको कहते हैं आत्मसंतोष, आत्मसंतोष लग रहा है कि मेहनत रंग लाई। हालांकि देखिए सरकार तो एनडीए बनाने जा रही है, लेकिन इस वक्त देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हूँ, या तमाम और कांग्रेसी नेता जो मीडिया के मंचों पर नजर आते रहते हैं, सब मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए जयराम रमेश पूरी व्यवस्था करते हुए, क्योंकि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हमारे साथ तमाम गेस्ट जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे सर। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए भी कि इस वक्त राहुल गांधी क्या कहने वाले हैं। राहुल गांधी कुछ ही देर में कांग्रेस दफ्तर बस पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। अब क्या कहेंगे, क्या तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव आयुक्त से मिलने की भी बात कर रही थी, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है या मार्जिन बहुत कम है। हो सकता है कि नई व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्या ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस क्या उस नई व्यवस्था के तहत कुछ करने वाली है, या जनता को क्या कहेंगे राहुल गांधी, क्योंकि हर बार तो बधाई देते हुए नजर आते हैं। पिछले दो बार से हमको याद है कि उन्होंने बधाई दी थी मुस्कुराते हुए, कहा था कि गलतियां हैं हमारी, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इस बार जो अभी टैली नजर आ रही है ऋतु, वो बड़ा दिलचस्प है कि क्या इस बार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को या एनडीए को जीत की बधाई देंगे?
या सरकार बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए कहेंगे क्या? यही बड़ा सवाल है। आप देखिए पुनीत की किस तरह से विधानसभा से पहले उन्होंने खूब मेहनत की थी, पर जब निराशा हाथ लगी थी उन्होंने तब भी उम्मीद नहीं छोड़ी, और उसके बाद लगातार जो हम देख रहे थे उनकी सक्रियता जनवरी फरवरी से, जो उनकी सक्रियता रही लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में एक माहौल बनाने की, अपनी तरफ लोगों को लाने की और तमाम तरह के वादे करने की, और वो जो वादे उन्होंने किए कहीं ना कहीं लोगों ने, जनता ने भरोसा जताया और मेहनत उनकी रंग लाई, उसी की खुशी उनके चेहरे पर। संजय श्रीवास्तव साहब आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से आ रही है, आपको आवाज मिल रही है सर? जी जी। संजय जी क्या कहेंगे, सिनेरियो देश भर में कुछ और तस्वीर, छत्तीसगढ़ में कुछ और तस्वीर? नहीं देखिए ऐसा है, अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि जो इंडी गठबंधन की बातचीत हो रही है और तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, बहुत सारे विषय सामने आए हैं। यदि अभी जो इंडी गठबंधन का टोटल है वो बीजेपी से कम है, अर्थात बीजेपी के ही पूरे टोटल में ये समाहित है, ये स्थिति आज इंडी गठबंधन की है, कोई 30 पार है, कोई 40 पार है, और कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 100 अंक को भी पार नहीं कर पाई है। तो मुझे लगता है देखिए लगातार 10 सालों से हमारी सरकार है और तीसरी बार भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, गठबंधन के नाम से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये ठीक है कि हम पूर्ण बहुमत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ पाता मैं उस बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन हाँ इस बात को स्वीकार करने में मुझे कहीं दिक्कत नहीं है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े थे उस लक्ष्य की प्राप्ति हमको नहीं हुई है। एक तो पूर्ण बहुमत का था, 370 का था, 400 की बात हमने की थी, लेकिन बात यह नहीं है कि 400 पार के ऊपर आप कोई सवाल उठाए। ये होता है कि जब हमने पिछली बार 2014 में हमने कहा पूर्ण बहुमत के साथ में आएंगे, हम पूर्ण बहुमत के साथ में आए हैं। 2019 में हमने एक लक्ष्य रखा